इसराइल और हमास के बीच जंग थमने का नाम नहीं ले रही। इस बीच इसराइल ने दक्षिणी गाजा के रफा शहर पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए, जिनमें 13 लोगों की मौत हो गई जबकि कई घायल हो गए। रफा में बड़ी संख्या में लोग इजरायली बमबारी से बचने के लिए पनाह लिए हुए हैं। ये बमबारी ऐसे समय पर की गई जब इसराइल के साथ सीजफायर को लेकर मिस्र की मेजबानी में हमास के नेताओं के साथ संभावित चर्चा हो सकती है। इसराइल ने हमास को जड़ से खत्म करने की प्रतिबद्धता जताई है। हमास के खात्मे को लेकर शुरू किए गए इसराइल के सैन्य ऑपरेशन में 34,000 से अधिक फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हो गई है। इस जंग की वजह से 23 लाख लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। हमास के अधिकारियों का कहना है कि खलील अलहाया की अगुवाई में हमास के अधिकारी सीज फायर प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे, जिसमें कतर से लेकर मिस्र मध्यस्थ की भूमिका है। हमास ने फिर से टूनेशन थ्योरी पर समझौते की संभावना जताई है। फिलिस्तीनी संगठन हमास 15 वर्षों से अधिक समय से कहता आ रहा है कि वो इसराइल के साथ टूनेशन समझौता स्वीकार कर सकता है, लेकिन हमास ने ये भी कहने से इनकार कर दिया है कि वो इसराइल को मान्यता देगा या उसके खिलाफ अपनी सशस्त्र लड़ाई छोड़ देगा। इसराइल और हमास के बीच पिछले साल 7 अक्टूबर से जंग जारी है। हमास ने इसराइल पर 5,000 से ज्यादा रॉकेट दागे थे। इसके बाद इसराइल ने जंग का ऐलान कर दिया था। इसराइल और हमास में जारी जंग में अब तक हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं हमास के हमले का इसराइल ने ऐसा जवाब दिया कि गाजा में 1-2 हजार नहीं बल्कि 34,000 फिलिस्तीनियों की जान ले ली। मरने वालों में 70% महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। इसमें कमोवेश 14,350 बच्चे हैं। अगर देखा जाए तो प्रति एक इसराइली के बदले नेतन्याहू की आर्मी ने 27 फिलिस्तीनियों की जान ली है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक मृतकों में 170 से ज्यादा संयुक्त राष्ट्र कर्मचारी और 7 वर्ल्ड सेंटर किचन के कर्मचारी शामिल हैं। पत्रकारों के लिए काम करने वाली संस्था की माने तो 6 महीने में 90 से ज्यादा पत्रकारों ने भी अपनी जान गंवा दी है।